प्रज्ञा केंद्र। प्रज्ञा केंद्र एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं, साथ ही लगभग 200 से अधिक प्रकार की सुविधाएं लोगों को प्रदान की जाती है। मगर खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड के मार्चा पंचायत भवन में स्थित प्रज्ञा केंद्र में मोबाइल नेटवर्क नहीं रहने के कारण यहाँ बहुत से कार्यों को करने में परेशानी हो रही है। मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं मिलने के कारण जाति, आवासीय, आय एवं अन्य प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने में संचालकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पंचायत में लगभग अधिक जगहों पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है, और चूंकि प्रज्ञा केंद्र का काम सिर्फ नेटवर्क पे ही आधारित है, जब तक इंटरनेट एक्सेस सही ढंग से नहीं हो तब तक प्रज्ञा केंद्र में कोई भी काम सुचारू ढंग से नहीं हो पाता है। और इंटरनेट एक्सेस नहीं होने पर या मोबाइल कनेक्शन नहीं मिलने के कारण हम लोग का यहाँ काम हमेशा बाधित होता रहता है। प्रज्ञा केंद्र में किस प्रकार का काम होता है यहाँ पर मुख्यतः? प्रज्ञा केंद्र एक कॉमन सर्विस सेंटर है, ये इसमें 270 सर्विसेज सरकार द्वारा दी गई है, और लेकिन हम लोग को जो सर्विसेज अभी दे रहे हैं उसमें जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, बैंकिंग सुविधा है, यहाँ के जो सुदूर गांव के लोग हैं उनका बैंक में खाता खोलना है, खाता का निष्पादन करना है, उनको लेन देन देना है। जैसे होता क्या है कि यहाँ के लोग जो बैंक से दूर स्थित हैं घर जिनका, उनको हम लोग पंचायत में लेवल पर ही बैंकिंग की सुविधा देते हैं। इसके अलावा और सारे बहुत सारे काम प्रज्ञा केंद्र में संचालित हो सकते हैं, जैसे किसी कैदी से मिलना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनसे बात हो सकती है, किसी डॉक्टर से अगर अपोलो के डॉक्टर से मिलना है तो भी हम लोग कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपोलो के डॉक्टर से हम लोग अपॉइंटमेंट लेकर उनसे बात करा देंगे और उनका इलाज भी हो सकता है। इसके अलावा नेटवर्क से संबंधित रेलवे टिकट है, उसके बाद फ्लाइट टिकट, बस टिकट। इस संदर्भ में सबसे पहले जो बुनियादी समस्या हम लोग के साथ हो रहा है कि नेटवर्क की समस्या, उसके लिए सरकार यहाँ कोई भी कंपनी की मोबाइल नेटवर्क व्यवस्था को दुरुस्त करे, उसके लिए टावर लगवाए, चाहे वो BSNL की हो, एयरटेल की हो, वोडाफोन की हो, या किसी भी ढंग की जो नेटवर्क है वो दे। आप तमाम लोगों से निवेदन है कि स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करके समस्या से संबंधित अधिकारी को समस्या से अवगत कराएं, ताकि इस मार्चा पंचायत के प्रज्ञा केंद्र में भी ये सारी सुविधाएं मिल सके। मैं अमित टोपनो, खूंटी जिला से, इंडिया नेट के लिए।